नमस्कार, मैं हूं अनुष्का, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निकाली रिक्तियां। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऑफिसर ग्रेड बी के 322 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 60% अंकों के साथ स्नातक अर्थशास्त्र, अर्थमिति, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, गणितीय अर्थशास्त्र, एकीकृत अर्थशास्त्र, वित्त में 55% के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर क्लिक। प्रदूषण कम करने की तैयारी में जुटा पटना नगर निगम, 30 जनवरी को होगी बैठक। निगम क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटना नगर निगम इसकी रोकथाम के लिए कई कदम उठाने जा रहा है। इसे लेकर आगामी 30 जनवरी को मेयर की उपस्थिति में बैठक होने वाली है। इस बैठक में वायु प्रदूषण, धूलकण और लोगों को गंदगी से मुक्ति दिलाने पर कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। पटना में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस विषय पर मेयर सीता साहू ने बताया कि निगम अपने अधिकार क्षेत्र में सभी शौचालयों की मरम्मति, मेन होल और कैच पीट की दुरुस्ती, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कई सारे काम करेगा। आंध्र प्रदेश से जुड़ गया मिथिलांचल। भागलपुर और जयनगर के बीच हुई ट्रेन सेवा की शुरुआत। आंध्र प्रदेश और मिथिलांचल के बीच की दूरी को पाटने के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत भागलपुर से जयनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जा चुकी है। नई ट्रेन सेवा के शुरू होने से आंध्र प्रदेश और मिथिलांचल रेल मार्ग से जुड़ गया है। इस ट्रेन के चलने से भागलपुर के साथ साथ मुंगेर, बांका और झारखंड के यात्रियों को भी अब काफी सहूलियत मिलने वाली है। आपको बता दें कि इस नई ट्रेन को मेयर सीमा शाह, सांसद अजय मंडल समेत अन्य नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। खबरों की माने तो पहले दिन इस ट्रेन से कुल मिलाकर 166 लोगों ने यात्रा किया है। यहां यात्री काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि कई सालों के बाद भागलपुर को यह नई ट्रेन की सौगात मिली है। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार मिलने से जदयू में बेचैनी के संकेत। विधानसभा चुनाव के दौरान से ही लोजपा और जदयू में खटपट के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सह लोजपा के तत्कालीन मुखिया रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान को केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण दिए जाने के फैसले पर जदयू में कुलबुलाहट दिख रही है। जदयू के शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि केंद्र के इस फैसले से वे खास रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जदयू द्वारा जारी पीसी में बिहार के सभी 5 लोगों के पुरस्कार पाने पर खुशी जाहिर की गई, लेकिन राजनीतिक जीवन में वर्षों साथ रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान को पुरस्कार मिलने पर खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई। पीसी के बाद आरसीपीसी ने बयान दिया कि मरणोपरांत सम्मान पाने वाले परिजनों को शुभकामनाएं देते हैं। सूबे में जारी है सर्दी का सितम। तापमान गिरने से बढ़ी कनकनी। बीती रात से ही एक बार फिर पारा गिरने के साथ ही शीतलहरी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। ठंडी हवा के बहने से ठिठुरन भरी रात रही, वहीं दिन में भी घना कोहरा छाया रहा। दिन भर धूप के दर्शन भी नहीं हुए। राजधानी पटना समेत जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां ठंड के कारण सड़कें सुनसान दिखी। लोग बाग अलाव के सहारे दिन बिताते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन ठंड से मुश्किलें बढ़ाने वाले होंगे। मंगलवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा। ठंड के मद्देनजर प्रशासन से कंबल वितरण और हर चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की मांग लोग कर रहे हैं। बिहार की 13 वर्षीय अंजलि बनी एक दिन की थाना प्रभारी। बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव काम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड में एक लड़की को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वहीं बिहार के बेगूसराय जिले में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी 13 वर्षीय अंजलि को एक दिन के लिए बलिया थाने का थानाध्यक्ष बना दिया गया है। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ही यह कदम उठाया गया है, जिसके बाद कार्यभार संभालते ही अंजलि कुमारी को पहला आवेदन बलिया बाजार में अतिक्रमण को लेकर दिया गया। थानाध्यक्ष और आईपीएस अधिकारी अवधेश सरोज ने बताया कि फिल्म नायक में अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाने की तर्ज पर ही ये कदम उठाया गया है। पंचायत चुनाव में 127 अति पिछड़े जातियों की बल्ले बल्ले। पंचायत चुनाव में पिछले वर्ग की 127 जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। पंचायत चुनाव में इन जातियों के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र सौंपने की तैयारी हो रही है। जाति प्रमाण पत्र के सही नहीं पाए जाने पर उनका नामांकन रद्द किए जाने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही सभी को यह साफ कर दिया गया है कि गलत जाति प्रमाण पत्र सौंप देने पर उनकी सदस्यता भी अब जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार अधिनियम में अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए एनेक्सर 1 में कुल 127 जातियां शामिल हैं। इनमें कपड़िया, कानू, कलंदर, केवट, कादर, कोड़ा, खटवा, खंगर, खटिक, गंगोता, चाय, चपोती, तुरहा, धानुक, नोनिया, बलदार, माली, कसाई, छिपी, तीली, रंगरेज, सिंदूरिया जैसी जातियों के नाम शामिल किए गए हैं। सीटीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों को कोरोना घोषणा पत्र लाना हुआ अनिवार्य।
31 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है। परीक्षा को लेकर CBSE की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए हालांकि अभ्यर्थियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसके तहत अब आपको परीक्षा में शामिल होने के लिए माता पिता से सहमति लेना अनिवार्य होगा। परीक्षा के समय सभी अभ्यर्थियों के लिए कोरोना घोषणा पत्र लाना भी अब अनिवार्य किया गया है, जिसे अभ्यर्थियों को यह साफ करना होगा कि उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में कोई परेशानी नहीं है। और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय पूछे जाने पर घोषणा पत्र भी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद अब किसी भी कीमत पर एक दूसरे से न छात्र हाथ मिलाएंगे और न ही गले लगेंगे। राजद के कई नेताओं ने थामा भाजपा का हाथ। बिहार की राजनीति में चुनाव के बाद एक दूसरे पार्टी में आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिसके तहत राजद के कई विधायकों ने राजद को झटका देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसको लेकर आज मिलन समारोह का आयोजन करवाया गया था, जहां इस मिलन समारोह में भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई भाजपा नेताओं ने इन नेताओं का स्वागत किया है। बीजेपी में शामिल होने वाले में RJD नेता और पूर्व सांसद सीताराम यादव, बथनाहा की पूर्व विधायक नगीना देवी, पटना सिटी से चुनाव लड़ चुके संतोष मेहता, पटना नगर निगम की डिप्टी मेयर मीरा कुमारी बीजेपी में शामिल हुई है। दिल्ली एम्स पहुंचे लालू यादव की तबीयत में धीरे धीरे दिख रहा है सुधार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की स्थिति खराब होने के बाद उन्हें रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स में शिफ्ट कराया गया, जहां उनकी तबीयत में आंशिक सुधार देखने को मिल रहा है। लालू यादव को फिलहाल एम्स के कार्डिक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है, जहां प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव उनका इलाज कर रहे हैं। उन्हें एक साथ कई बीमारियां हो गई हैं। लालू फिलहाल पल्मोनरी एडिमा से पीड़ित हैं। इस बीमारी की वजह से उनके फेफड़ों में अतिरिक्त द्रव्य जमा हो गया है। लालू के साथ डॉक्टरों की स्पेशल टीम 24 घंटे मौजूद है और एहतियातन लोगों से मिलने जुलने पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया गया था। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बुली होने की बताई कहानी। अभिनेत्री प्रियंका ने हाल ही में अपने बुली होने के वाकया को याद किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि हाई स्कूल में जो बच्चे मेरे पीछे पड़े थे उन्हें समझ ही नहीं आता था। ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने तय कर लिया था कि वह किसी और बच्चे से ज्यादा पावरफुल है। जब आप किसी को पकड़ते हैं तो आप खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं। बच्चों और युवाओं को बुली किया जाता है या होता है ताकत मिलने पर, और हम सभी ने ये सब होते कई अलग अलग तरह से देखा है। मुझे इसने बहुत चोट पहुंचाई है, मेरे कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाई है, उस चीज को चोट पहुंचाई है जो मैं करना चाहती थी। मुझे लगा था कि मैं एक्सपोज हो रही हूं क्योंकि मेरी स्किन रॉ है। मैच के टर्निंग पॉइंट का शार्दुल ठाकुर ने किया खुलासा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉर्डर गावस्कर सीरीज की याद आज भी लोगों के मन में ताजा है। वहीं इस सीरीज में भारतीय टीम के प्रदर्शन की भी काफी तारीफ हो रही है। इस क्रम में अब भारतीय टीम के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने मैच के दौरान आए टर्निंग पॉइंट को लेकर अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि हमें ऐसी ही उम्मीद थी कि वह हमारे खिलाफ तेजी से रन बनाएंगे और ऐसा ही हुआ। उन्हें काफी अच्छी शुरुआत मिली थी। 6 ओवर के मैच के बाद दिन का खेल खत्म हुआ और फिर अगले दिन हम तरोताजा होकर आए। अगले दिन भी दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाने में जुटे थे, तो उनका प्लान क्लियर था कि तेजी से रन बनाकर हमारे सामने बड़ा लक्ष्य रखे। पबजी की जगह आ गया फौजी। पबजी के बंद होने के बाद भारत में इसके यूजर में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिली थी। हालांकि अब गेम लवर्स के लिए फौजी गेम को लॉन्च किया गया है। मेड इन इंडिया एक्शन मोबाइल गेम फौजी गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गया है। इसे पॉपुलर गेम पबजी मोबाइल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। गेम को एनकोड गेम्स नाम की कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी ने फौजी यानी कि फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स गेम की घोषणा सितंबर में की थी और पहले यह नवंबर में लाया जाना था, लेकिन बाद में योजना में बदलाव करते हुए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर लॉन्च करने का ऐलान किया गया। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 13,320 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,06,89,527 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 137 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,53,724 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए
मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत में अब तक कुल मिलाकर 1,03,59,305 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 1,76,498 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि बिहार में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए आपके अनुसार क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और देश विदेश की ताजा खबरों के साथ बने रहें हमारे साथ बिहारी न्यूज़ पर। नमस्कार।